ये बना लिया तो इसमें लास्ट का दोनों सिक्स सेवन बन गया। हेलो बोलो जल्दी बता दीजिए। सिक्स नंबर एक मिनट a from 1 to infinity to 2 to infinity be a differentiable function such that f1 की वैल्यू 1 गिवन है ना, f1 1 है, if 6 1 से x ft dt बराबर 3x fx minus x cube for all x greater than equal to 1 find fx। एक ये क्वेश्चन भी था तो देखो पहले 6 में सिक्स में क्या दिया हुआ है, सिक्स में ये है ना इफ सिक्स वन टू एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू थ्री एक्स एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब ये ठीक है ना, एंड एफ वन की वैल्यू क्या गिवन है, एफ वन की वैल्यू जो है वन है तो यहां से रख दो तो जीरो एफ वन की वैल्यू वन बाय थ्री आ जा रही है ना सर, एक्स को वन से बड़ा होना पड़ेगा। ये रिलेशन है इक्वालिटी वहां भी लगी हुई थी इसलिए ये समझे, मतलब क्वेश्चन में जरा सा कुछ होगा इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए तो फिर समझे, जैसे ये चीज गिवन है ना x greater than equal to 1 पे तो इक्वालिटी है, तो अगर हम इसमें x की जगह 1 पुट करते हैं तो 1 पुट कर दोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 is equal to 3 f1 minus 1 हो जाएगा तो f1 की वैल्यू 1 by 3 आ जाएगी ठीक है, उस पर नहीं जाएगा। तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 6 fx is equal to 3 एफ एक्स माइनस प्लस थ्री एक्स एफ डैश एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, तो मान लो एफ एक्स को वाई मान लो ना तो ये हो जाएगा थ्री एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू सब कुछ इधर लें इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर, तीन तीन काट दो तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, एल डी बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दो तो ई की पावर इंटीग्रल माइनस वन बाई एक्स डी एक्स है ना, तो ई की पावर वन बाई एक्स आ जाएगा ये, तो सॉल्यूशन जो होगा वो हो जाएगा वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वन बाई एक्स यही आ रहा ना, तो डेट इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ये हो जाएगा, एंड गिवन क्या है when x is equal to 1 y की वैल्यू भी 1 है तो 1 बराबर 1 प्लस c c की वैल्यू 0 हो गई
वाई बराबर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आ जाओ सर मुझे। अच्छा दूसरा, व्हाट कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट इज रिक्वायर्ड इफ एन इनिशियल डिपॉजिट। अच्छा इसके बाद ये वाला बताए ये वाला सेवंथ, टू एक्स ई एक्स डिफरेंशियल, एक मिनट ये ना। हाँ ठीक है, सही है सही है, इसका आ जाएगा ये टू एक्स ई एक्स, ये हो जाएगा और रेंज हो जाएगा माइनस टू बाई ई से इनफिनिटी, माइनस टू बाई ई से इनफिनिटी, ठीक है सही है, कुछ नहीं है, है ना, नहीं होगा। अच्छा डिफरेंशियल इक्वेशन की बुकलेट मिली है? यस सर। कोई इस पे दूसरा ही चल रहा ना। At what constant rate is required, मतलब constant interest rate कितना होगा? किस कांस्टेंट रेट से इनिशियल डिपॉजिट होगा कि डबल हो जाए? एक्चुअली इस वाले क्वेश्चन में ना बहुत सारा गड़बड़ हो गया, इस वाले में सिक्स में क्वेश्चन ही रीजन डेटा, यहाँ पर एफ वन पे ओपन भी किया हुआ है और फिर एफ वन की वैल्यू दे नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि वन पे ओपन है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, क्योंकि एफ वन जब यहाँ वन पे ओपन है तो इधर भी ओपन ही कुछ होना चाहिए था, और वन से एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू, ये सब तो ठीक है, फॉर ऑल एक्स यहाँ पर भी इक्वालिटी का दिक्कत है, इसको ये वाला बनो, फिर बस ये एलडी बन जाता है, सॉल्व कर लेना, इसमें किस रेट से होगा? बना नहीं सर, वन बाय सिक्स एल एन टू एल एन टू की वैल्यू गिवन होगी, एल एन टू दिया हुआ है, सॉल्व करके, हाँ सही है ऐसे ही है, वन बाय सिक्स एल एन टू कितना परसेंट हुआ ना, इंटरेस्ट रेट का परसेंटेज होता, सॉल्व करके बुकलेट को नहीं भेजे, डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है पहले खत्म करते हैं। देखो इसमें पहले तो ये मान लेंगे कि लेट बैलेंस बैंटी
in the account at in time t, किसी time पे जो है ये मान लो तो बैलेंस टी है तो dn by dt जो होगा n by dt is equal to वही kt हो जाएगा है ना, dn by dt kt होगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आ जाएगा n is equal to वही c e power t, ये c की पावर kt उसे मान लो लेट इनिशियल डिपॉजिट, मान लिया कि इनिशियल जो है वो मैंने डिपॉजिट किया, इनिशियल डिपॉजिट n नॉट है, इनिशियल डिपॉजिट n नॉट है तो एट t बराबर 0 n बराबर n नॉट हो, t बराबर 0 n बराबर n नॉट तो वो इक्वेशन जो हो जाएगी वो आ जाएगी तो इस पे इक्वेशन 1 जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूसेस वो आ जाएगा n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर kt, ये बन गया ठीक है ना, n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर kt ये बन गया। अब क्या निकालना है कि into an account accrues interest compounded continuously to its double its value in 6 years, 6 साल में डबल होना चाहिए है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम दिया हुआ है ठीक है ना, t बराबर 6 है तो n जो होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2n नॉट, इनिशियल डिपॉजिट के डबल हो जाना चाहिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है तुमको, तो सबको पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, ऑन पुटिंग इनटू ये सेकंड इक्वेशन मान ले इसमें पुट कर दो तो 2n नॉट इज इक्वल टू n नॉट e की पावर kt k और यहां हो जाएगा 6 ठीक है ना, तो दैट इंप्लाइज k इज इक्वल टू 1 बाय 6 ln 2 ना, ln 2 गिवन है तो ln 2 है 0.6930 बाय 6 तो ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 0.1155 तो दैट इंप्लाइज एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 11.55% इज रिक्वायर्ड, 11.55% का इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड होगा तो 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है ना, अभी ये करो, ये राइट सर्कुलर कोन, ए राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस आर एंड हाइट एच कंटेन्स ए लिक्विड विच एवापोरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, ठीक है ना, तो सरफेस एरिया इन कॉन्टेक्ट विथ एयर प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट दिया हुआ कि फाइंड टाइम आफ्टर विच द कोन इज एम्प्टी, किस टाइम के बाद कोन एम्प्टी हो जाएगा, सर वो इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन एक बार फिर से बता दीजिए ना, कौन सा सर, इसके पहले वाला इंटरेस्ट, पहले वाला देखो, एट व्हाट कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, कितना कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड होगा जब इनिशियल डिपॉजिट प्लेस्ड इनटू एन अकाउंट, इनिशियल को रेट करोगे माइनस 100 रुपया डिपॉजिट है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट लगते जाओ उस पे, उसको जो है 6 साल में डबल होना है ठीक है ना, 6 साल में उसकी वैल्यू डबल हो जानी चाहिए, मतलब 100 रुपया तो 200 हो जाना चाहिए 6 साल में, तो किस इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए पर ईयर ठीक है ना, तो मान लिया कि एनटी जो है किसी टाइम पे है, किसी भी एनटी बैलेंस है, एनटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डीएन बाय डीटी जो होगा वो प्रोपोर्शनल टाइम के होगा,
तो बस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दिया तो k आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू c e k t हो गया। उसके बाद इनिशियल डिपॉजिट मालूम है कि n नॉट है, तो ये सब रख दो तो n बराबर n नॉट e की पावर k t हो गया, n बराबर n नॉट e की पावर k t हो गया। अब जब दिया हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के 6 से n के 2 n नॉट होनी चाहिए इनिशियल का डबल, तो ये सब तो आगे k की वैल्यू कितनी हो गई 0.1155, तो इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 11.55% रिक्वायर्ड हो गया। यस समझे, मतलब वही क्या ना कि जैसे सिंपल इंटरेस्ट रेट का क्या फॉर्मूला कैसे लिखते हो? कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या होता है? A इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r बाय t की पावर n, ऐसे ही आता है ना? यस सर। r बाय 100 की पावर टाइम होता है, r बाय 100 होता है ना? हां, r की पावर n की पावर t ऐसे कुछ होता है। हां, मतलब कितने टाइम्स अप्लाइड होता है उस पे भी डिपेंड करता है ना। एक फॉर्म तो ऐसे भी आएगा कि a इक्वल टू 1 प्लस r बाय n के पास n रिंस आ रहा है, उस पे यहाँ पे भी आता है, ठीक है ना? तो उसमें पड़े होगा तो r बाय 100 करके लिया। एक ये आता कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट का मूल्य हो जाएगा p इनटू 1 प्लस r बाय 100 की पावर n, ये सिर्फ इंटरेस्ट है ना, और उसी में ये भी उसी टाइप से निकल जाता है। सेकंड करो, सेकंड में क्या, एक राइट सर्कुलर कोन है, ए राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस, एक राइट सर्कुलर कोन है, रेडियस आर गिवन है, ठीक है ना? ए राइट सर्कुलर कोन इसको बनो लिखिए ना, देखना आगे ऑर्डर कितना दिया हुआ। ऑर्डर ये क्या ये होगा पुलिस कॉर्डर सारे गया, एग्जाम भी हो गया, ये भी हो गया, एक्सेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, लीनियर हो गया, लीनियर फॉर्म बना लिया, अच्छा क्लियरेंस दिया हुआ, और तो ऑर्डिनल ट्रांजिटिव हो गया। अच्छा ये सब तो मालूम है ना, ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट सब पहले बता रखा है उसी में, क्या नाम है, एओडी में ही बता रखा है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल क्या होता है ना, एम जो है स्लोप है, तो वही सब पे क्वेश्चन होगा। एक बार मतलब अनसॉल्व जो सॉल्व क्वेश्चन है ना उसको भी बनाओगे बस हो गया, तो क्लियर खाली रह गया ना। इसका कितना होगा, ए राइट सर्कुलर कोन है विद रेडियस आर एंड हाइट h कंटेंस द लिक्विड व्हिच एवापोरेट्स एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया इन कांटेक्ट विद एयर।
सिंपल सा तो है। ये कह रहा है ना कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसका ना, ये जो राइट सर्कुलर कोन है ठीक है ना, जिसका रेडियस गिवन है, रेडियस जो है वो कैपिटल आर है ठीक है ना, रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, हाइट जो है एच है ठीक है ना, तो इसका जो रेडियस है ये रेडियस जो कैपिटल आर है और ये हाइट जो है वो एच है ना, तो अब बताना है कि लिक्विड जो है एवापोरेट कर रहा है इस रेट से, प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में जो सरफेस एरिया होगा उससे ठीक है, तो तब जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे किस टाइम के बाद जो है कौन पूरा खाली हो जाएगा, ये बताना। वो सिंपल सा तो है, देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है ना कि लिक्विड एवापोरेट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दिया हुआ है एवापोरेट्स लिक्विड एवापोरेट एट ए रेट प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू इट्स इसके सरफेस एरिया ना, हाँ सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है, तो डेट इंप्लाइज डीवीडी लिक्विड एवेपोरेट करेगा, तो मतलब मान लो कि कंटेनर लिक्विड, इसमें एक लिक्विड है, तो ये लिक्विड अगर एवेपोरेट करेगा तो लिक्विड एवेपोरेशन का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, सरफेस एरिया के, तो डेट विल बी इक्वल टू माइनस एस, क्योंकि एवेपोरेट कर रहा है तो घट रहा होगा तो निगेटिव लेना होगा, तो डेट इम्प्लाइज डीवी बाई डी टी ठीक है ना, डीवी बाई डी टी कितना होगा बोलो, सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट, ये भी सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट कितना होगा, क्या लिखे यहाँ पर, माइनस के इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब वो फोर पाई आर स्क्वायर ये सब नहीं लिखा होगा, मतलब सरफेस एरिया कौन का नहीं कह रहा है कि सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, एयर में जो कॉन्टैक्ट होगा, तो एयर में तो यही ऊपर वाला है ना, सर्कल है कॉन्टैक्ट में, सर्कुलर का ले लेना अब डेट इम्प्लाइज डी ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, कौन है ना, तो कौन का वॉल्यूम वन बाय थ्री पाई आर स्क्वायर एच बाय इज इक्वल टू अब क्या है, तुमको कुछ रिलेशन लिखना पड़ जाएगा, एच और आर का रिलेशन रिलेशन लिखना पड़ेगा ठीक है ना, यहाँ तक है ना, अब इसको पहले डिफरेंशिएट करो ना, थ्री पाई आर स्क्वायर एच है ना, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो कि पाई आर स्क्वायर एच, तो ये ले रहा ना, ये हाइट एच है, ये हाइट ले रहे हैं, ये रेडियस ले रहे हैं, रिलेशन लिखना है, बेसिकली दो वेरिएबल यहाँ पर हो गया ना, आर और एच, एक को हटाना पड़ेगा, L R by small r is equal to capital H by small h, ये होगा? Yes sir. है ना, तो that implies d by dt of 1 by 3 pi r square, और small h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r capital H by r, अब सही है, माइनस k pi r square, ये हो जाएगा,
अब आर क्यूब हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, आर क्यूब होगा ना, देखना जो जो कांस्टेंट उसको बाहर लिख, 1/3 पाई कैपिटल एच, इसको आर क्यूब को डिफरेंशिएट कर दो, 3R² dr/dt इज इक्वल टू -k π r² ये हो जाएगा, ठीक है ना, तो पाई 3 3 r² कटिए, ठीक है ना, कट वट के ये बच जाएगा dr, है ना, तो ये रह जाएगा r इज इक्वल बाय h, मतलब उस कैपिटल r का कोई मतलब नहीं, वो बस एक कांस्टेंट है, ठीक है ना, dr और -k dt इंटीग्रेट कर दें, ठीक है ना, उसको जो इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कैसे करें, लिमिट रख दो कैसे, अगर हम h जीरो लेते हैं तो जीरो लोगे, तो जीरो लोगे तो ये कितना होगा, कैपिटल r होगा, यस होगा ना, और टाइम t लोगे तो टाइम t पे क्या होना चाहिए, कौन एम्प्टी होना चाहिए, तो रेडियस क्या हो जाएगा, जीरो, ये समझे, यस सर, तो ये होगा तुम्हारा जीरो माइनस इक्वल टू आर बाय एच इनटू माइनस के टी, तो डेट इंप्लाइज टी की वैल्यू कितनी होगी, एच बाय, ये आंसर हो जाए, ठीक है ना, तो इंडिपेंडेंट आता है इससे, अगर इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस लगा ऐसा है तो रेडियस से एकदम इंडिपेंडेंट आता है, तो कितना टाइम लगेगा, एच के का टाइम लगेगा, ठीक है ना, एच बाय के, और के तो यहाँ पे पॉजिटिव गिवन था, ये सब तो हो गया, बस समझ में आया, यस सर, बोलो, पर वही तो था कि पर्सनालिटी के बराबर कोई यहाँ पे दो वेरिएबल आर एच का रिलेशन लिख के डिफरेंट दिया हुआ है कि अगर जीरो होगा, मतलब टाइम मैंने जीरो लिया तो रेडियस कैपिटल आर, मतलब पूरा पानी या जो भी लिक्विड है भरा हुआ होगा इसमें, और जब टाइम निकालना जब कोन खाली हो जाए, तो अगर कोन खाली होगा तो या तो रेडियस बोलो या हाइट बोलो, अगर इसमें कैपिटल इस आर को हटा लेते तो हाइट आता, तब भी वो क्या होगा, जीरो, अगर पूरा खाली हो जाए तो रेडियस और हाइट सब जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इस टाइम पे जीरो हो गया, लगा के कर क्लैरिट्स इक्वेशन पे आते हैं, तो ये बचेगा, ठीक है, ठीक है, A and B are two reservoirs. A and B are two separate reservoirs of water. A और B जो है दो reservoirs है water का. Capacity of A is double the capacity of B. A की capacity B के double है. Both को, दोनों को पानी से भर दिया गया. Inlets को बंद कर दिया गया और water release किया गया simultaneously from both. Rate flow of water is at any instant of time proportional. एक घंटे बाद वाटर ए में जो रिजर्वायर में पानी है वो डेढ़ टाइम्स है ना, 1.5 टाइम्स है अमाउंट ऑफ वाटर इन रिजर्वायर बी, बी में जितना होगा उसका डेढ़ टाइम्स है, तो कितने
टाइम के बाद दोनों के बराबर हो जाएंगे। एलन के टर्म में आंसर बताना, ये करो। ए और बी दो रिजर्वायर्स हैं, इजी से लॉक के टर्म में आंसर आएगा बस। सर एलएन 2 बाय एलएन 4 बाय 3 एलएन 4 बाय 3 सही है।
बनाओ इसको एक मिनट। देखो एक है ना, एक रिजर्वायर ए है और बी है, ए है और ये बी है ना, दोनों में ऐसे इनलेट से आ रहा होगा। ठीक है ना, तो अब क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी ए नॉट इनिशियल इज इक्वल टू वी बी नॉट, इनिशियल में दोनों बराबर है क्या? नॉट का मतलब इनिशियल कह रहे हैं, ठीक है ना, और वी ए क्या है, ए का है और वी बी जो है बी का है। ए इज डबल द कैपेसिटी ऑफ ए इज डबल द कैपेसिटी ऑफ बी, ए की कैपेसिटी बी के डबल है। द रेट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है ना, ये दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ ईच, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर प्रोपोर्शनल टू वाटर प्रेजेंट है ना, तो डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू के ए, ए के लिए अगर ए के लिए लिखोगे तो डी वी बाय डी टी बराबर के ए टी, और क्योंकि बाहर निकल रहा है तो माइनस ले लेंगे, तो वी ए, वी ए इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के ए टी। अच्छा एक चीज रुक जाओ, वैसे यहाँ पर ये कर लेते हैं, डी वी इज इक्वल टू, और भी था रुक जाना, माइनस क्या कह रहा है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट क्या होगा, वी ए के प्रेजेंट होगा ना, रेट ऑफ फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना है, तो मान लो माइनस के ए इंटू वी ए लेंगे, ठीक है। उसी तरह से बी के लिए, ए रिजर्वायर के लिए लिख रहे हैं, उसी तरह से बी के लिए लिखोगे तो बी के लिए क्या आ जाएगा, डी वी बाय डी टी इज इक्वल टू माइनस के बी इंटू वी बी, बी के लिए लिख रहे हैं उस टाइम पे कितना प्रेजेंट होगा। अब इंटीग्रेट कर दो, डी वी बाय वी ए इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी, आप इंटीग्रेट करेंगे, जीरो लोगे तो ये किसके बराबर होगा, वी ए नॉट के बराबर होगा, और टाइम टी लोगे तो टाइम टी पे ये वी ए के बराबर है, तो डेट इम्प्लाइज कितना आएगा ये वाला बताना, और सेम इसको कर दो, डी वी बाय वी बी इज इक्वल टू माइनस, वही रेडियो एक्टिव डी के वाला फॉर्म आ जाएगा, जीरो से ये हो जाएगा वी बी नॉट
और यहाँ हो जाएगा वी बी टाइम टी पे, क्या होगा v इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू ऐसा कुछ आएगा वी ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, और ये हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू वी बी नॉट ई की पावर माइनस के बी टी, ये हो जाएगा यहां तक ठीक है ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करोगे तो नहीं आ जाएगा ln va by va naught is equal to minus kat, इसको हटा दो उधर से तो e की पावर फिर va naught जाके मल्टीप्लाई होगा, वही फॉर्म है n बराबर n naught e की पावर माइनस kt, ये हो गया। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम कितना ले रहा है, आफ्टर वन आवर वाटर इज रिलीज्ड, क्या है वन आवर वाटर इज रिलीज्ड, अच्छा एक घंटे बाद जो है क्या हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम टी की वैल्यू वन ले लें तो वी ए जो है वी बी द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिजर्वायर इज ए डेढ़ टाइम्स द क्वांटिटी, इसका थ्री बाय टू टाइम्स होगा, तो वी ए इज इक्वल टू वी ए नॉट ई की पावर माइनस के ए, और वी बी जो होगा वो हो जाएगा वी बी नॉट ई की पावर माइनस के बी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या हो गया वी ए बाय वी बी इज इक्वल टू वी ए नॉट वी बी नॉट और ई की पावर के ए प्लस के बी, ये हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी थ्री बाय टू है ना VA by VB, और VA not by VB not कितना होगा, VA not by VB not is equal to 2, VA not by VB not is equal to 2 into e की पावर KB minus K, इसका सेकंड इक्वेशन मान लो, अगेन टाइम मान लो T है जब VA और VB बराबर होना चाहिए, तो that implies VA is equal to VB, तो VA बराबर VB कर दो, तो VA not into e की पावर minus KAT is equal to VB not e की पावर minus KBT, ठीक है ना सर, तो VA not, हाँ सर आप वहाँ 3 by 2 equals 2 into e KB minus KAT, सर 2 multiply कैसे किए हैं, इसकी वैल्यू ना VA not by VB not, yes sir, यहाँ से लिखेंगे ना VA not by VB not is equal to 2, yes sir समझ गया, ठीक है ना VA not by VB not वहाँ से लिया, हाँ तो ये आ गया। अब जो है हाँ अब यह वी ए बराबर टू वी बी नॉट, तो यहाँ पर लिख देंगे वी ए नॉट की जगह पर लिख दो टू, टू वी बी नॉट इंटू ई की पावर, इसको ऐसे लिख दोगे ना के बी माइनस के ए टी इज इक्वल टू वी बी नॉट, ये दोनों कट जाएगा, तो डेट इम्प्लाइज ठीक है ना इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहीं गलत तो नहीं हो रहा ना, टू बराबर ई के पावर माइनस के बी प्लस के ए इनटू टी, वी ए नॉट की जगह पर रख दिया टू वी बी नॉट, ठीक है ना, तो टी निकालना है, अच्छा टी निकालना ना, हाँ वो उसकी वैल्यू मालूम है तो ठीक है हो गया, तो यहाँ पर से आ जाएगा ये लॉग लेना पड़ जाएगा, तब जाके बाहर आएगा के बी माइनस ई की पावर, ये रिलेशन है ना, तो ये आ जाएगा थ्री बाय फोर, तो ई पावर तो माइनस के जो होगा ना वो आ जाएगा, तो यहाँ से लिखो फिर वन बाय टू हो जाएगा, तो दोनों जगह जरा सा वैल्यूज का ये है,
एक्चुअली यहाँ पर से एक स्टेप और लिख देते हैं, तो के बी माइनस के ए की वैल्यू हो जाएगी एल एन थ्री बाय फोर, ये होगी। और यहाँ से जब लिखोगे तो ये आ जाएगा के बी माइनस के ए इंटू टी इज इक्वल टू माइनस एल एन टू हो जाएगा ना। माइनस एल एन टू हो जाएगा, तो इसलिए टी इज इक्वल टू कितना होगा माइनस एल एन टू बाय के बी माइनस के कितना है एल एन थ्री बाय फोर, तो डेट इज इक्वल टू एल एन टू बाय एल एन फोर माइनस एल एन थ्री, ये आएगा आंसर। समझे, ठीक हो गया। अब एक ये क्वेश्चन करो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कर रखा होगा ऐसा, ए थर्मामीटर रीडिंग 5 डिग्री सेंटीग्रेड ब्रॉट इनटू ए रूम उस टेम्परेचर इज, एक रूम में लाया गया जिसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड है, वन मिनट लेटर द थर्मामीटर रीडिंग इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक अंटिल टू रीड 21.9 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब प्रैक्टिकली तो 22 तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है ना, लेकिन 21.9 तक जाएगा, तो 21.9 तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा ये बताओ। न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग तो पढ़ रखा ना, उसी पे है। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन सब करोगे, कोई डाउट होगा तो पूछना। अब क्लैरिट्स वाला बताते हैं इसको सॉल्व करो, तो फिजिक्स में कर रखा होगा ना ऐसा भी, और वो आया ना 5 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ भी है उसको रूम में लेके आ रहे हैं, तो लॉग वॉक के टाइम में रहे।
कितनी आएगी वैल्यू सर? टी स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 16.9 इनटू 2 बाय 14। पूरे सॉल्व करके एक टी बताओ ना, टी की वैल्यू मतलब कितने टाइम के बाद वो इतना रीड करेगा जो स्क्वायर स्क्वायर सॉल्व करके। तो देखो तो सर 1.5 सेकंड्स नहीं, 1.5 सेकंड तो हो ही नहीं सकता। जब एक मिनट बाद वो 5 से 12 पे ही पहुंच रहा है तो उससे बहुत ज्यादा लगेगा ना। सॉरी सर, 1.5 मिनट होगा। नहीं, 1.5 मिनट भी नहीं होगा। लेट टेम्परेचर ऑफ थर्मामीटर after time t minutes is, मान लो कि टाइम टी मिनट्स के बाद ये है, ठीक है ना? ये कैपिटल टी से लिखा है टेम्परेचर और स्मॉल टी जो है वो टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टाइम जब जीरो ले रहे हैं तो टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, और टाइम जब हम 1 ले रहे हैं 1 मिनट बाद, तब जो है टेम्परेचर कितना है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये और रूम टेम्परेचर जो है वो कितना है, टेम्परेचर ऑफ रूम। तो फिजिक्स में नहीं बना, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग तो हो गया ना, पर अभी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ है। अच्छा, हीट ट्रांसफर नहीं हुआ क्या? उसी में तो पहला चैप्टर नहीं है सर, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी। हां, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स होता है, फिजिक्स में भी है, दो में से किसी एक में तो पढ़ा ही होगा। तो अब न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग क्या होता है, बाय न्यूटन्स ऑफ, ठीक है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग लगा दो तो dT/dt ये जो होगा इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, ये हो जाता है। तो डेट इम्प्लाइज dT/dt इज इक्वल टू के इनटू T0-T। याद है ना, चेंज इन टेम्परेचर ये T0-T। तो इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्विंग ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln T0-T इज इक्वल टू -KT+C, ये हो जाता है, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा, तो डेट इम्प्लाइज T0-T is equal to e^-KT into e^c, कुछ ऐसा बना लिया, ये रख लिया, ठीक है ना? अब T0 की जगह क्या रखा, 5 रखा, और ठीक है ना, इसको सॉल्व किया, अब T0 की जगह 5 रखा, नहीं, T0 तो 22 दिया हुआ ना, रूम का टेम्परेचर तो 22 है, तो इसको रखोगे 22, है ना? ये वाला, ये 22 होगा ना, चेंज इन टेम्परेचर, तो 22-T होगा ना, ये वैल्यू 22 होगी, 22-5 इज इक्वल टू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी जीरो है तो ये 1 हो जाएगा, 1 × e^c, तो ये हो गया। ठीक है ना, तो डेट T0 है ना 22, और T तो टेम्परेचर आएगा, चेंज इन टेम्परेचर देखते रहना ना बार बार, T0 तो रूम टेम्परेचर है, ये T0 अलग है, वो इनिशियल टाइम पे थर्मामीटर का टेम्परेचर, रूम ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रूम, रूम का टेम्परेचर यहाँ यूज होता है ना? तो ये हो जाएगा, तो EC की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
सही है ना, टी नॉट की वैल्यू 22 रख लिया और टी की वैल्यू 5 रख लिया, तो और ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारे 17, इसी की वैल्यू 17 हो गई, ठीक है ना, क्योंकि जीरो हो जाएगा। अब फिर से अगेन कुछ और दिया हुआ है कि जब कितने टाइम के बाद वन पे, है ना, जब टाइम वन होगा तो देन ये कितना होगा, 22 माइनस 12 इज इक्वल टू e की पावर माइनस के इंटू ई की पावर सी, ठीक है, तो e की पावर माइनस के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 माइनस 12 10, 10 बाय ec की वैल्यू 17, ये सेकंड इक्वेशन होगा, ठीक है ना, दोनों वैल्यूज निकाल लिया। अब क्या है कि लेट टाइम टी व्हेन थर्मामीटर रीड्स 21.9 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 21.9 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी इंटू ई की पावर सी, तो डेट इम्प्लाइज ई की पावर माइनस के टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1 ना, 0.1 बाय ईसी की वैल्यू है 17, तो डेट इम्प्लाइज और यहाँ से एलएन हो जाएगा 10/17 ना। अच्छा, मतलब लॉग वॉग के वैल्यू का बहुत ही यूज हो गया इसमें, माइनस के की वैल्यू हो जाएगी एलएन 10/17, ठीक है ना, सही है, तो ई की पावर तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के टी इज इक्वल टू, इसको लिख दो एलएन 0.1/17, तो टी की वैल्यू हो जाएगी माइनस के की वैल्यू वहां पर रख दो, तो लॉग 0.1/17 और माइनस के डिवाइड हो जाएगा, चला जाएगा ऊपर एलएन ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर ऐसे नहीं जाएगा ना, नीचे आ रहा 1/ln 10/17 ये आएगा आंसर, ठीक है ना, ये आएगा सर। अब इसमें वैल्यूज का चक्कर पड़ गया क्योंकि डेटा सही नहीं है, उधर वाला डेटा सही हो जाता, ये हो जाएगा एलन, वैल्यू निकालनी ही पड़ जाएगी ना, क्योंकि नीचे तो ऐसे ही आएगा, और ये कितना होगा एलन 0.1 सर, एलन 170 बाय एलन 1.7 यही आ रहा, पूरा सॉल्व करके, सॉल्व कैसे 170 कैसे कर दिए नीचे लग के, यस सर, वो भी चेंज नहीं होगा ना, सर 1/70 तो लिख ही सकते हैं, कितना आ रहा है एलन, एलन 170 डिवाइड बाय एलन 1.7, एलन 170 बाय, हाँ ये तो लिख सकते हैं, ठीक है, ये सही, ये लिख सकते हैं, तब ये कितना होगा, कुछ काट के नहीं लिख सकते क्या, निकालना ही पड़ेगा ना, ठीक है, वो लॉग की वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है ना, तो एलएन यही आंसर होगा, एलएन 170, एलएन 170 होता है, एलएन 170 होता है 5.1357, ठीक है ना, और एलएन 1.7 होगा 0.5306, तो अब ये डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 5.1357 डिवाइडेड बाय 0.5306, तो ये आ जाएगा 9.679, ठीक है ना, बस ये हो जाएगा आंसर, तो रफली ये कितना हो गया 9.68 सेकंड,
सर अगर एग्जाम में ऐसा आएगा तो एलएन 17 का हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? गिवन होगा, ठीक है ना? मतलब एक्चुअल एग्जाम में जो आया था ना, एग्जाम में मतलब ऐसी वैल्यूज होगी ना जो कट बैठ जाएगी. जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया द टेम्परेचर, द टेम्परेचर इनसाइड ए रूम इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ए थर्मोमीटर. नहीं तो जो ऐसा डेटा होगा ना सबकी वैल्यूज गिवन हो गए. 19 डिग्री सेंटीग्रेड इज ब्रॉड इनटू रूम, ए मिनट लेटर, एक मिनट के बाद थर्मोमीटर रीडिंग इज 23 डिग्री सेंटीग्रेड. हाउ लॉन्ग will it take to read 26 degree centigrade? है ना, 26 degree centigrade read करने के लिए कितना time लगा? ये है, इसमें exact data हो जाएगा, है ना? ये भी बनाओ. समझे ना, न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग ये होता है, ये formula होता है, मतलब ये होता है mainly, तो ये होता है dT/dt बराबर k into जल्दी. सर 3 मिनट्स, 3 मिनट. सही होगा तो मतलब, ठीक है ना, वो सब कट बैठ जाएगा. तो ऐसा तो सेम चीज, बस न्यूटन लॉज ऑफ कूलिंग लगा दो तो ये लिखोगे. हम डायरेक्टली कह दो तो dT/dt इज इक्वल टू लेमडा कुछ ले लो और इसको लिख दोगे टी रूम का टेम्परेचर माइनस टी, ठीक है ना? तो डेट इम्प्लाइज dT/ रूम का टेम्परेचर कितना है? 27. तो ये हो जाएगा 27 माइनस टी इज इक्वल टू लेमडा dT. और अब ये कर लो कि इनिशियल में थर्मामीटर का रीडिंग कितना है, 19 है, है ना? और एक मिनट के बाद थर्मामीटर की रीडिंग कितनी है, 23 है, ठीक है ना? तो ये हो गया. तो डेट इम्प्लाइज ये हो जाएगा एल एन और ये वैल्यू कितनी होगी, 27 माइनस 23 अपॉन 27 माइनस 19 इज इक्वल टू
लैम्डा इनटू 1, ठीक है ना, तो डेट इम्प्लाइज लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस लॉग कितना होगा, 4/8 हाफ हो जाएगा क्या, 27 - 23 4, ये हो गया। अब ठीक है ना, 9 अब क्या चाहिए कि तुमको फिर से जो है उसका रीडिंग ले लो, कितना चाहिए हमको, 0 से 26 या कहीं पर भी ले लो ना, या तो इंटीग्रेट करके निकालते या ऐसे निकाल लो। तो अब क्या होगा, 19 से लेके 26 तक चाहिए हमको, तो इसको मान लो डी टी बाय फिर से वही 27 - t इज इक्वल टू 0 से t और लैम्डा डी टी, तो डेट इम्प्लाइज लॉग 27 - 26 अपॉन 27 - 19 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी, ये हो जाएगा है ना, हो गया। तो टी इज इक्वल टू ये कितना बचेगा, एलन 27 - 26 1/8 और डिवाइडेड बाय माइनस एलन हाफ, तो डेट इज इक्वल टू एलन 8 कुछ माइनस में नहीं रहेगा, माइनस लैम्डा आ गया ना तो प्लस में हो जाएगा और इसकी वजह से ये आ जाएगा एलन 2, तो डेट विल बी इक्वल टू 3, तो 3 मिनट्स हो जाएगा। 3 मिनट के बाद रीडिंग जो है दोनों की सेम हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन ज्यादा जो है मतलब जिसमें डेटा सही है ये 3 मिनट के बाद उसकी रीडिंग 26 हो जाएगी, है ना। पेंसिल्स कूलिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, समझ गया ना। सेकंड ठीक है, तो डिफरेंशियल हो गया खत्म। ये जो लास्ट वाला जो बता रहे ना क्लैरेट्स और वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पहले आता था क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव था, अब उतना नहीं है, तो कुछ बस जो बुकलेट में होगा उतना ही करना, हायर डिग्री फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री। तो देखो जैसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, dy/dx का होल स्क्वायर माइनस x + y dy/dx प्लस xy इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये है कुछ, ठीक है ना, ये dy/dx का होल स्क्वायर माइनस this इज इक्वल टू 0, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें क्या है कि dy/dx है ना, तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, मतलब सीधे dy/dx के लिए सॉल्व कर लो, मतलब लेट dy/dx इज इक्वल टू p है, ठीक है ना, dy/dx इज इक्वल टू p है, तो या p भी मानने से भी पहले ऐसे ही नहीं हो जाएगा, फैक्टराइज करो ना, dy/dx कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, dy/dx माइनस x इधर ले आओ, ठीक है ना, और इधर से माइनस y कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, dy/dx माइनस x बराबर 0 हो गया, बस बन गया और क्या, तो ये आ जाएगा dy/dx माइनस x इनटू dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो हो गया। अब यहाँ से ये बोलोगे इधर dy/dx इज इक्वल टू x या नहीं तो dy/dx इज इक्वल टू y, दोनों का सॉल्यूशन बताओ,
इंडिविजुअली दोनों को सॉल्व करना आता है, ठीक है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना आएगा, जल्दी जल्दी बोलो, और इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, इंटीग्रेट कर दो ना, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ठीक है ना, इसका इसका ln y, एक्चुअली ऐसे लिखना y माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c इज इक्वल टू 0, और इसका जगह ln y माइनस x प्लस c इज इक्वल टू 0, तो सॉल्यूशन ऑफ गिवन डी। अच्छा एक चीज बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि दोनों का जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होगा वो सेम होगा, अलग नहीं रखना है तुमको, ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन y माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c इनटू ln y माइनस x प्लस c, ये होगा फैमिली, दोनों का इंटीग्रेशन कांस्टेंट तुमको अलग नहीं रखना, समझे, ये हो गया। चल रहा ना, समझ आया ना, कुछ है ना, फैक्टराइज किया उसके, बस ये ध्यान रखना कि दोनों का, क्योंकि देखो इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक ही चीज रखेंगे इसलिए कि वेरिएबल जो है डीवाई बाई डीएक्स का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर वन है, ऑर्डर वन है तो वेरिएबल कितना होना चाहिए इक्वेशन में, सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, वो ये वेरिएबल होगा, जैसे p इज इक्वल टू, जैसे लिखते हैं अब जैसे ये p माइनस ex, ठीक है ना, p माइनस ex p प्लस x स्क्वायर, फिर p माइनस cos x इज इक्वल टू 0 है, वेयर p इज इक्वल टू dy बाय dx है, यहाँ के p जो है dy बाय dx है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, p जो है dy बाय dx है, एक एक को इंटीग्रेट कर दो, तो y माइनस ex प्लस c हो जाएगा, इसका कितना होगा, y x स्क्वायर के इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, तो y माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, ये सॉल्यूशन समझे ना, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक चीज ये, ठीक है, अब आते हैं ये dy by dx का होल स्क्वायर माइनस x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना, ये dy by dx का होल स्क्वायर माइनस x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 0, तो इसको जो है तुम लिखोगे तो ये क्या होगा, p स्क्वायर माइनस xp प्लस y इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये होगा, p जो है वो dy by dx है, p जो है वो क्या है, dy by dx है, हायर ऑर्डर जो है ना सब ऐसे करके बन जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, dy by dx का होल स्क्वायर है ना, तो p स्क्वायर माइनस xp प्लस y है, इसको लिखोगे क्योंकि फैक्टराइज हो रहा है क्या, फैक्टराइज का तो कोई मतलब नहीं दिख रहा है,
सीधे फॉर्मूले से भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना. नहीं, हायर ऑर्डर का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है ना. नो सर, क्वाड्रेटिक का बात कर रहे हैं. क्वाड्रेटिक से वो नहीं, क्वाड्रेटिक से दिक्कत हो जाएगी ना. क्वाड्रेटिक करोगे तो क्या होगा, p इज इक्वल टू क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस b, तो x प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4y अपॉन 2. कोई मतलब नहीं है ना इससे, फायदा नहीं है ना, रूट उठ रह गया ना. जैसे इसको क्वाड्रेटिक से निकालते तो दो रूट्स आ जाते x और y, ये ठीक था, लेकिन ये वाला नहीं होगा ना. तब क्या करेंगे, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर से डिफरेंशिएट किया तो ये कितना होगा, 2p p डैश माइनस x p डैश माइनस p प्लस p इज इक्वल टू 0. ये सही है, ठीक है ना. ये हो गया सॉल्वेबल फॉर y, y के रिस्पेक्ट में उसको फिर से कर लेते हैं डिफरेंशिएट. ये दोनों कट गया, अब क्या होगा, p डैश कॉमन ले लो, 2p माइनस x इज इक्वल टू 0, तो डेट इंप्लाइज इधर p डैश इज इक्वल टू 0 और 2p माइनस x इज इक्वल टू 0. तो ये तो हो गया तुम्हारा d2y by dx2 बराबर 0 या dy by dx बराबर x by 2, ठीक है ना. तो ये हो गया. अब सॉल्व कीजिए, तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, dy by dx is equal to c, यही होगा ना, और यही है ना, और यहाँ पे dy by dx is equal to x by 2 है ना. अब क्या है, put in, कहाँ गया इक्वेशन, इसको वन put in इक्वेशन, इक्वेशन में पुट कर दो, dy by dx का होल स्क्वायर, तो पहला हो जाएगा c स्क्वायर माइनस xc प्लस y इज इक्वल टू 0, तो डेट इंप्लाइज y इज इक्वल टू आ जाएगा xc माइनस c स्क्वायर. मैं फिर से और इंटीग्रेट नहीं कर देना तुमको, ये हो गया. एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x by 2 का होल स्क्वायर माइनस x into x by 2 प्लस y इज इक्वल टू 0, तो डेट इंप्लाइज y इज इक्वल टू कितना आ गया, x स्क्वायर बाय 4. और यही जो है तुम्हारा कहलाता है सिंगुलर सॉल्यूशन. पर इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आया ना, है ना, कोई कांस्टेंट नहीं आया, तो ये क्या कहलाता है, सिंगुलर सॉल्यूशन. मतलब ये हो जाएगा सिंगुलर सॉल्यूशन, इसमें कोई कांस्टेंट नहीं आया क्योंकि इससे ये चीज डिराइव नहीं होगी. तो जब सिंगुलर सॉल्यूशन शुरू में एकदम बताया तो बोला था ना कि जो जनरल सॉल्यूशन से नहीं निकल सके, तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया, ये सिंगुलर हो जाएगा. एक मिनट ये भी होता है सॉल्व करने का, ठीक है. पार्टिकुलर से अलग है, सिंगुलर सॉल्यूशन उसको बोलते हैं, वैसा सॉल्यूशन जो किसी भी डी में वेरिएबल से रख के नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये तो जब भी होगा सी की वैल्यू कुछ भी लोगे ये लीनियर लाइन बनेगी, लेकिन ये एक पैराबोलिक है. मतलब यहाँ से क्या आ गया ना, डी वाई बाई डी एक्स एक्स बाय टू आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स एक्स बाय टू आ गया, तो तुम इसको इंटीग्रेट नहीं करोगे. ऐसा नहीं कि इसको इंटीग्रेट करके बोल दो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय फोर प्लस सी, बस यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, ये सी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि जब डी वाई बाई डी एक्स मिल ही गया तो ये पूरा तो डी वाई बाई डी एक्स पे है, तो पूरा ले जाके इसको रख दो, क्योंकि तुमने इसको एक बार और डिफरेंशिएट करके सॉल्व किया ना इसको. इसमें क्या था कि अगर तुम डी वाई बाई डी को बोले इसमें क्यों नहीं किया, इसमें डी वाई बाई डी एक्स रख दो, जीरो बराबर जीरो हो जाएगा, इसलिए इसको इंटीग्रेट किया, लेकिन यहाँ पर इंटीग्रेट नहीं करेंगे. ये क्वेश्चन बस आइटम बहुत पहले आया, ये है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, जो कि डायरेक्टली बन जाता था, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वाई इज इक्वल टू टू एक्स,
बी में y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, सी में y इज इक्वल टू x माइनस 1 और डी इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू x प्लस 1, किसको जो है सेटिस्फाई करेगा? तो देखो उसमें जो है ना तुमको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, पता है dy by dx और सिंपल ऐसे कर दो, dy उसको निकाल के हाँ चेक कर पुट कर दो ना, जैसे पहले वाले, हाँ पहले वाले के लिए जो dy by dx है वो 2 है, तो अगर dy by dx की वैल्यू 2 हो जाए तब इक्वेशन क्या होगी, 2 का स्क्वायर माइनस x into 2 plus y is equal to 0, किसी ऑप्शन में नहीं होगा, देख लो y बराबर 2x minus 4 तो b हो गया। अगर dy by dx 1 हो जाए ठीक है ना, तब क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस x into 1 plus y is equal to 0, तो y बराबर x minus 1, c हो जाएगा, हो गया ये दोनों आंसर। ये आया था बहुत पहले, और कभी कभी सिंगुलर सॉल्यूशन आ गया तो ठीक है ना। तो मतलब मेनली जो सॉल्व करने का यही तीन ही होता है जो मेथड हम बता दिए, और इक्वेशन भी इन जनरल यही इक्वेशन आते हैं जो मैंने सॉल्व किया है, क्योंकि रैंडम कुछ लिख नहीं सकते, क्योंकि फिर ये चीज होना चाहिए ठीक है ना। तो ये सब तुमको कॉलेज में मेनली जाके पढ़ना है, मतलब ज्यादा अभी बस बेसिक इतने से। अब आते हैं क्लेरियट्स इक्वेशन पर। तो क्लेरियट्स इक्वेशन क्या है, क्लेरियट्स इक्वेशन क्या है, द डी द डिफरेंशियल इक्वेशन of form, the differential equation of form y is equal to px plus fp, ठीक है ना, ये form होना चाहिए, where p जो है तुम्हारा वो है dy by dx, p जो है वो dy by dx है ठीक है ना, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं क्लेरिट्स इक्वेशन ठीक है ना। तो इस जो हम ऊपर सॉल्व भी किए हैं, तो टू सॉल्व इट, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो ऊपर कर रखा डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा बताना, पी प्लस एक्स डी पी बाय डी एक्स प्लस डी एफ पी बाय डीएक्स, ये बचेगा ना, तो ये दोनों कट जाएगा, देखना ये दोनों कट जाएगा ठीक है ना। तो डेट इंप्लाइज क्या आएगा, जीरो इज इक्वल टू एक्स डी पी बाय डीएक्स प्लस एफ डैश p into dp by dx बराबर जीरो, और जीरो तो इधर ले लिया ना, तो that implies अब यहाँ से factorize हो जाएगा तुम्हारा पूरा जो हम ऊपर करा रखे हैं, पता है f dash p into ये कितना बचेगा x plus dp by dx कुछ ऐसा आ जाएगा is equal to zero, ये है Clairaut's equation। तो अब यहाँ से बोलोगे इधर या तो तुम्हारा dp by उल्टा उल्टा हो गया क्या, डायरेक्ट होना चाहिए था, एक्स नहीं आएगा सॉरी, हाँ ये खाली रह जाएगा ना, इनटू डीपी बाय डीएक्स, तो या तो डीपी बाय डीएक्स जीरो होगा और या फिर एक्स प्लस एफ डैश पी जो है वो जीरो होगा, बस यही चीज होगा, एक मिनट यही हो गया ठीक है ना। अब यहाँ से जो है तुम्हारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन आएगा और ऊपर वाले से क्या आएगा, जनरल सॉल्यूशन, जैसे एक से जनरल आ जाएगा एक से पार्टिकुलर आएगा, तो बस वही है कि अगर हम उससे एलिमिनेट करते हैं, हाँ लिख लो ऊपर ना, ये एक इक्वेशन हो जाएगी, ये दूसरी हो गई, वो सब
ये पहला, दूसरा, तीसरा। अब अगर इन दोनों को, इसको इसको यूज करके सॉल्व कर रहा है तो वो हो जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और इसको यूज करके, नहीं हाँ, इसको इसको यूज करके सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्व वन एंड थ्री, इससे तुमको क्या मिलेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। और वन एंड टू को सॉल्व कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ये क्लेरेट्स इक्वेशन जो लास्ट, ये जो एग्जांपल लिया था ना, ये क्लेरेट्स का ही था, थर्ड वाला। सर इसमें सिंगुलर नहीं आएगा? नहीं, सिमिलर नहीं आएगा ना। जैसे जैसे सिंपल सही लेते हैं, y इज इक्वल टू, ये पी एक्स प्लस टू बाई पी, वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस टू बाई पी, जहाँ की पी जो है तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। तो डिफरेंशिएट है तो सीधा, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, ये पी बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, पी, एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे पी, और प्लस एक्स into dp by dx, अब plus, अब इसको differentiate करो 2 by p को, 2 by p का derivative क्या होगा, पता है? 1 by p का derivative कितना होता, minus 1 by p square, तो ये हो जाएगा minus 2 by p square into dp over dx ही होगा। अब क्या हो गया, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट गया, ठीक है ना, ये दोनों कट जाएगा, तो कट गया तो that implies ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू डी पी बाई डी एक्स, कॉमन ले लेंगे, अब बच जाएगा एक्स माइनस टू बाई पी स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ से बोलोगे इधर, तो बस सिंपल सा है, बताइए क्लेरेट्स इक्वेशन, डी पी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो होगा और नहीं तो एक्स माइनस टू बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो डी पी बाई ठीक है ना, तो dp by dx हो जाएगा और ये आ जाएगा। तो अब सिंगुलर और ये निकाल दो पार्टिकुलर, ठीक है ना, तो यहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है ना, तो यहाँ से तो आ जाएगा dy by dx, जैसे dp by dx जो है ये वाला ना, तो dp by dx अगर जीरो है तो dp by dx जीरो है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, dy by dx is equal to c, put in equation, equation में put कर दोगे तो y is equal to क्या हो जाएगा, cx plus 2 by c, ये आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, ले जाके put कर दिया, ये हो गया। अब इसमें इसमें जरा सा ये p square हो जा रहा है, इसमें put करो तो इससे सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा, जनरल, अच्छा मैंने यहाँ दोनों जनरल लिख दिया, सॉरी यहाँ पे सही हो गया, पार्टिकुलर आता किसी में, तीन में पार्टिकुलर, हाँ इसमें ठीक है, सिंगुलर बोलेंगे, पार्टिकुलर लिखा गया, सॉरी ये वन और थ्री पे सिंगुलर सॉल्यूशन बोलते हैं उसको, सिंगुलर है ना, सिंगुलर ऊपर लिखा है ना, हाँ ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन उसको बोलते हैं ना जो इसमें वेरिएबल रख के नहीं निकलेगा। अब इससे क्या बनेगा, सेकंड वाले से y is equal to this है, तो p square is equal to कितना हो जाएगा, p square is equal to 2 by x, है ना, ले जाके इक्वेशन में रख दो, p square x की जगह, है ना, p पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिव में, p पॉजिटिव में ही ले लेंगे, फिर स्क्वायर करना पड़ जाएगा ना, क्योंकि वहां पे है नहीं ना, वहां पे है नहीं तो स्क्वायर कर दो, इक्वेशन वन जो है, क्योंकि तुमको इंटीग्रेट तो नहीं करना, ये ध्यान रखना, ये जो इससे जो आता है ना, इस वाले से जो आता है वो हमेशा इससे आएगा सिंगुलर, है ना, इससे हमेशा सिंगुलर सॉल्यूशन आएगा, इंटीग्रेट नहीं करना, स्क्वायर कर दो इक्वेशन को, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा,
पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर बाय पी स्क्वायर और कितना बच जाएगा प्लस ना दो इंटू दो चार एक्स हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स पी स्क्वायर एक्स की वैल्यू टू हो जाएगी तो ये हो जाएगा टू एक्स और फोर बाय पी स्क्वायर है ना तो टू बाय पी स्क्वायर की जगह एक्स तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस इधर से फोर एक्स तो दैट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एट एक्स ये जो होगा सिंगुलर सोल्यूशन ठीक है ना ये सिंगुलर हो गया ये जनरल सॉल्यूशन होगा ठीक है ना और ये हो जाएगा तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन ये है पूरा क्लैरेट्स इक्वेशन समझ गया समझे ना मतलब जो जैसे क्लैरेट्स इक्वेशन जब भी करोगे ना इस फॉर्म का आएगा कुछ y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ पी px plus fp जाके p dy by dx से डिफरेंशिएट करोगे दो चीज बन के आएगा एक तो dp by dx बराबर जीरो आएगा इसको ले जाके इक्वेशन में पुट करोगे तो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा पहला और दूसरा इन दोनों से जनरल सॉल्यूशन आएगा और दूसरा बनेगा x plus f dash p बराबर जीरो इसको और इसको सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा तुम्हारा सिंगुलर सॉल्यूशन ठीक है ना तो ये है फिर ठीक है दो गया खत्म हो गया चैप्टर एक बार बुकलेट बनाओगे अगर कोई डाउट होगा तो पूछना लैंग्वेज में इसमें एलडीई सबसे इम्पोर्टेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है और कुछ तो नहीं है ना एक बार लास्ट ईयर का क्वेश्चन सब करना ठीक है जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम हम बहुत सारा करा दिए हैं तो उसी टाइप का होगा ठीक है और बाकी कल से फिर प्रोबेबिलिटी शुरू करते हैं एक बार प्रोबेबिलिटी के लिए जैसे पीएनसी रिवाइज कर लेना ठीक है तो इस वीक में अब तीन दिन क्लास है ना तो तीन और नेक्स्ट वीक तक तो प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा होपफुली ज्यादा पीएनसी रिवाइज कर लेना बस ठीक है फिर चलो और डाउट क्लास जो है ना जैसे जो क्वेश्चंस भेजे ना वो इस वीक में किसी दिन रखेंगे जैसे फ्राइडे को लेकिन मॉर्निंग में फिजिक्स की क्लास है तुम लोग का सैटरडे को मॉर्निंग में ठीक है ना मॉर्निंग में या फिर 10-11 बजे एक दिन पहले बोल देंगे सैटरडे को ठीक है फिक्स है सैटरडे को इस सैटरडे को ठीक है और बनाओगे बुकलेट इसमें से लास्ट ईयर का क्वेश्चन जैसे मेंस वेंस में जो आता है ना मेंस में सिंपल सा आता है बहुत मीन में सीधे डी को सॉल्व कर दो वही का क्वेश्चन हर बार इस बार भी दो हर पेपर में वही था और ये सब तो पहले आता था कहीं कहीं पे पूछता है सिंगुलर सॉल्यूशन तो क्लैरेट्स इक्वेशन बस इम्पोर्टेंट है ये वाला तो मतलब जो भी कराया ना ये सब तो वही है कि डायरेक्ट हो गया ये कहलाता है सॉल्वेबल फॉर डी वाई बाई डी एक्स सीधे डी वाई बाई डी एक्स निकल गया इसमें क्या हो गया वाई के लिए सॉल्व हो रहा है ये तो मतलब डिफरेंशिएट करके सॉल्व हो रहा है ये क्लैरेट्स का फॉर्म है y is equal to xp plus y is equal to xp fp कोई p का फंक्शन होगा ठीक है फिर चलो कल से प्रोबेबिलिटी